महिला अधिवक्ताओं ने धूमधाम से मनाया महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। महिलाओं के लिए समर्पित ये दिन बहुत खास होता है, इसलिए महिलाओं के सम्मान के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी क्रम में शाहजहांपुर सेंट्रल बार एसोसिएशन के राजीव सभागार में एडवोकेट ऋचा सक्सेना के अथक प्रयासों से महिला दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में न्यायिक अधिकारी एडीजे रश्मि नंदा जी ने शिरकत की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सेंट्रल बार एसोसिएशन की वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुक्ता कालरा ने की। मंच संचालन एडवोकेट गुलिस्ता व सचिव अनीत त्रिवेदी जी ने की। सर्वप्रथम सीनियर अधिवक्ता मधु मिश्रा ने न्यायिक अधिकारी एडीजी रश्मि नंदा जी का माल्यार्पण करके स्वागत किया। इस मौके पर सभी महिला अधिवक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। साथ ही एडवोकेट नीता गुप्ता ने एक गजल और एडवोकेट ऋचा सक्सेना ने कविता प्रस्तुत करके अपने विचार रखे। सेंट्रल बार एसोसिएशन के सचिव अनीत त्रिवेदी जी ने महिलाओं को माँ बेटी और बहन की उपाधि से संबोधित करते हुए कहा, महिलाओं का सम्मान करना हम सभी का प्रथम कर्तव्य है। इस मौके पर सभी महिला अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर एडवोकेट ऋचा सक्सेना, गुलिस्ता खान, मधु मिश्रा, सरोज वाला, मुक्ता कालरा, रीता रानी, रीता कुमकुम शुक्ला सहित सभी महिला अधिवक्ता मौजूद रही। मीडिया 100 न्यूज शाहजहांपुर से शुभम श्रीवास्तव की रिपोर्ट।